कैसे करना है। तो क्लेम का प्रोसेस भी अब काफ़ी सिंपल हो गया है। तो आपको बेसिकली क्लेम इंटीमेट करना है सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके अंदर आप बेसिक सी डिटेल्स देते हैं, क्या हुआ था एग्जैक्टली, डेट ऑफ लॉस, एस्टिमेट ऑफ लॉस, इनवॉइस कॉपी वगैरह। उसके बाद एक सर्वेयर डिप्यूट हो जाता है, वो आपके सर्वे स्पॉट पे सर्वे करता है। मान लीजिए अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो फोटोग्राफ्स वगैरह करता है, और फिर उसके बाद कुछ और एडिशनल अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस टाइप का लॉस है, मान लीजिए थेफ्ट है अगर, तो FIR कॉपी वगैरह चाहिए होता है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आप सबमिट कर देते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन के 7 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा क्लेम पे हो जाता है और आपका बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है एज इट वॉज बिफोर द लॉस। तो ये सेफगार्ड जो है वो आपको इंश्योरेंस दे सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज कुछ थोड़ी बहुत रिस्क मिटिगेशन, जो रिस्क है उसको कम करने की भी सलाह देती हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे रेन वाटर डैमेज से आपके कार्गो को बचाने के लिए, जैसे टार्पोलिन की आप बिछाते हैं, शीट नीचे भी बिछाएंगे और चारों तरफ से उसको कवर करेंगे। अगर आप देखेंगे फ्लैट सरफेस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे पानी अक्यूमुलेट होता है, तो इसको थोड़ा सा तिकोना रखेंगे तो पानी नीचे जाएगा। तो रेन वाटर डैमेज से आपका कार्गो बहुत सुरक्षित रह सकता है। आगे भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे आपका प्रॉपर लैशिंग होनी चाहिए। प्रॉपरली अगर लैश नहीं है, मूवमेंट के दौरान कार्गो अगर मूव करा है, तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी सजेस्ट करती है कि आप प्रॉपरली लैश्ड कार्गो ही करें। प्रॉपर स्टैकिंग होनी चाहिए, तो ठीक से स्टैकिंग, और आप जैसे इन फोटोग्राफ्स में देखेंगे तो उसके बीच में जो कुशनिंग होनी चाहिए वो मतलब डिपेंड करता है किस टाइप का कार्गो है उसके बेसिस पे, या फिर रेफ्रिजरेटेड कार्गो है तो वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड उसमें ही जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस कंपनी सजेस्ट करती है, जिससे आपका नुकसान भी कम हो और इंश्योरेंस में आपको क्लेम में भी ना जाना पड़े।